दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो जानिए आज की ताजा अपडेट। वहीं पहली बड़ी खबर, लोकसभा में वित्त मंत्री का विपक्ष पर हमला, कहा किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट को देश भर को आत्मनिर्भर बनाने की भूमिका वाला बजट बताया। निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा, कोरोना वायरस महामारी की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां भी सरकार को सुधार के कदम उठाने में डिगा नहीं सकी। उन्होंने ये भी कहा कि सुधार के कदमों को उठाने का मकसद भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक बनाना है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी सदमे में रहे। वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुस्ती मद्देनजर कई विशेषज्ञों से चर्चा के बाद बजट लाया गया है। इस बजट में भारत के आत्मनिर्भर बजट बनाने की भूमिका रखी। कुछ दूसरे देशों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप अब भी है, लेकिन यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से काम हुआ है, स्थिति में जिस तरह से निपटा गया है, उसका नतीजा है अर्थव्यवस्था सतत रूप से आगे बढ़ी रही। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पर बरसी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कहा राहुल गांधी बताएं कृषि कानूनों में क्या कमी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में आम बजट पर जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पीएम किसान सम्मान योजना के शुरू होने से लेकर 10.75 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में 1.15 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मैंने सोचा कि कृषि कानूनों को एक खंड को निकालकर राहुल गांधी संसद में कहेंगे कि इसकी वजह से किसानों को नुकसान होने वाला है, इसका हम समर्थन नहीं करेंगे। ऐसा करके इन तीनों कृषि कानूनों में से एक तो ऐसा क्लॉज बताएंगे जो किसानों के खिलाफ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी बताएं कि कृषि कानूनों में क्या कमी है। वित्त मंत्री अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी के हम दो हमारे दो बयान का जवाब दिया। उन्होंने कहा, एक पार्टी की सरकार में दामाद को कई राज्यों राजस्थान हरियाणा में जमीन मिली है, मैं आपको इसके डिटेल्स दे सकती हूँ। दरअसल हम दो हमारे दो ये है, हम दो लोग पार्टी की देखरेख कर रहे हैं, बाकी के दो लोग बेटी दामाद दूसरी चीजों को देखेंगे, लेकिन हमारी पार्टी ऐसी नहीं करती। पीएम स्वनिधि योजना इसका ट्रेलर है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत छोटे छोटे व्यापारियों की मदद की गई है। अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट की समिति ने कृषि कानूनों पर 12 किसान संगठनों से की चर्चा, हो चुकी हैं 7 बैठकें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने शुक्रवार को विभिन्न राज्यों में से 1 दर्जन किसान संगठनों से चर्चा की। किसान संगठनों ने नए कृषि कानूनों पर विचार विमर्श किया। समिति अब इस मुद्दे पर किसान संगठनों व किसानों के साथ 7 बैठकें कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति ने एक बयान में बताया, शुक्रवार को 12 किसान संगठनों व किसान के साथ नए कृषि कानूनों को लेकर चर्चा की गई। समिति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों और किसान संगठनों व कृषक उत्पादक संगठनों से वार्ता की, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना व पश्चिम बंगाल के 12 किसान संगठन व किसानों ने समिति के सदस्यों के साथ कानूनों पर विस्तार से चर्चा की। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को तीनों विवादास्पद नए कृषि कानूनों को लागू करने पर 2 महीने के लिए रोक लगा दी थी। इसके साथ ही समिति का गठन कर हितधारकों, किसानों व किसान संगठनों से चर्चा कर 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने किया अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल, केंद्रीय मंत्रियों ने दिया करारा जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर डिसएंगेजमेंट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केंद्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वे मर्यादा भूल गए और पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कई अपशब्द कहे। राहुल गांधी के बयान के बाद कई केंद्रीय मंत्रियों समेत बीजेपी के नेताओं ने करारा जवाब दिया। वहीं राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, प्रधानमंत्री एक कायर हैं जो चीन के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। वे हमारी सेना के जवानों के बलिदान पर थूक रहे हैं, वे सेना के बलिदान को धोखा दे रहे हैं। भारत में किसी को भी ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री इस पर क्यों नहीं बोल रहे? उन्होंने कहा, पेंगोंग को लेकर हुए करार में हमारी जीत नहीं है, बल्कि चीन की जीत हुई है। हमारी सेना पीछे हटी है। पीएम मोदी ने चीन के सामने मत्था टेक दिया और देश का सिर झुका दिया। अगली बड़ी खबर, राकेश टिकैत ने सभी किसानों के हाथ में डंडे देने का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 3 महीने से दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन जारी है। वहीं राकेश टिकैत ने एक बार फिर सरकार को धमकी दी। टिकैत ने कहा कि सरकार ने उन्हें रोकने के लिए सड़कों पर कीले लगा दी, वे एक एक कील हटाए बिना वहां से वापस नहीं जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि आरएसएस वाले डंडे लेकर चलते हैं तो हमारे कार्यकर्ता भी डंडे लेकर चलेंगे। जब तक सरकार अपने आरएसएस कार्यकर्ताओं को नहीं रोकेगी,
तब तक हमारे कार्यकर्ता भी ऐसे ही लाठी डंडों से लैस रहेंगे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को समझाया कि ये कुछ भी अफवाह फैला सकते हैं, लेकिन उनके झांसे में नहीं आना। टिकैत ने धमकी दी है, ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक भारत सरकार इन कानूनों को वापस नहीं ले लेती। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर बोले अनुराग ठाकुर, मंडी व्यवस्था जारी रहेगी, इसे और मजबूत बनाएंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मंडी व्यवस्था के जारी रहने का भरोसा दिलाते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज कहा कि सरकार इसे और अधिक मजबूत बनाएगी ताकि किसानों की आय बढ़ने में मदद मिल सके। राज्यसभा में बजट 2021-22 पर चर्चा में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि नए कृषि कानूनों से मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा, मंडी व्यवस्था जारी रहेगी, इसे सरकार और अधिक मजबूत बनाएगी ताकि किसानों की आय बढ़ने में मदद मिल सके। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा आप किसानों की जमीन और भविष्य लेकर उनसे करना चाहते हैं बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नए कृषि कानूनों और LAC विवाद को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। वे हर रैली और सभा में मोदी सरकार पर हमला बोलकर नए कृषि कानूनों के जरिए किसानों के साथ अन्याय का आरोप लगा रहे हैं। शुक्रवार को राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र पर हमला बोला। राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसान महापंचायत के दौरान राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी कहते हैं कि वे किसानों के साथ बात करना चाहते हैं, आप उनके साथ क्या बात करेंगे? तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लीजिए, किसान आपके साथ खुद बात करेंगे। अगली बड़ी खबर, तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर कसा तंज, कहा भोले भाले मुख्यमंत्रियों को दागी मंत्रियों के बारे में नहीं है जानकारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट में दागी नेताओं को शामिल करने को लेकर विवाद जारी है। विपक्ष इस मुद्दे पर सीएम नीतीश पर लगातार निशाना साध रही है। इसी क्रम में शनिवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फिर एक बार सीएम नीतीश पर हमला बोला। उन्होंने सीएम नीतीश के बयान पर, जिसमें उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों के आपराधिक छवि के होने की बात कही है, इस पर ट्वीट पर तंज कसा और पूछा कि क्या इतने भोले वाले मुख्यमंत्री कुर्सी पर बने रहने का नैतिक अधिकार है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की राजस्थान दौरे में दिखी कई रोचक तस्वीरें, एक साल बाद एक मंच पर नजर आए गहलोत और पायलट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। इस बार राहुल गांधी के दौरे के साथ कई अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। मसलन राजस्थान में पिछले साल आए सियासी भूकंप के बाद यह पहला मौका होगा जब राज्य कांग्रेस के 2 धुरसी, एक अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक साथ राहुल गांधी के साथ एक मंच पर हुए। इसके अलावा राहुल गांधी जिस हनुमानगढ़ से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, ये वही जगह है जहां सबसे पहले उन्होंने राजस्थान में किसान कर्ज माफी का वायदा किया था। यह मौका था राजस्थान के विधानसभा चुनाव के मौसम का और तारीख थी 18 अक्टूबर 2018। राहुल गांधी की इस दिन हनुमानगढ़ में सभा थी और राहुल गांधी ने किसानों के सामने मंच पर 1, 2, 3, 4 से लेकर 10 तक गिनती करते हुए किसानों से वायदा किया था कि सिर्फ 10 दिन के अंदर उनके कर्जे की माफी हो जाएगी अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी तो। इसके बाद दिसंबर 2018 में राजस्थान में अशोक गहलोत की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार भी बन गई, लेकिन राहुल गांधी का हनुमानगढ़ में किया गया वायदा अधूरा रह गया। अगली बड़ी खबर, लोकसभा में विपक्ष पर बरसे अमित शाह, बोले जम्मू कश्मीर फिर बनेगा पूर्ण राज्य, वक्त आने दीजिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में बजट सत्र पर चर्चा का सत्र चल रहा है, जिसमें कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर कई सवाल पूछे थे। इस पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह पूछा गया था कि अनुच्छेद 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे उसका क्या हुआ। अमित शाह ने आगे कहा कि मैं इसका जवाब जरूर दूंगा, लेकिन अभी तो 370 को हटे मात्र 17 महीने हुए हैं। आपने 70 साल क्या किया, उसका हिसाब लेकर आए हो क्या? यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं हर चीज का जवाब दूंगा, लेकिन जिन लोगों को पीढ़ियों तक शासन करने का अवसर दिया गया था उन्हें यह देखना चाहिए कि जवाब मांगने के लिए उपयुक्त है। यही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा कि कई सांसदों ने कहा कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2021 को लाने का मतलब है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। अमित शाह ने कहा कि मैं इस बिल बना रहा हूं और बिल लाया हूं, मैंने अपने विचार स्पष्ट कर दिए, ऐसा नहीं लिखा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, आप ऐसे निष्कर्ष कहां से निकालते हैं। अमित शाह ने आगे कहा कि मैं पहले ही सदन में कहा था कि मैं अब फिर दोहरा रहा हूं कि इस बिल से जम्मू कश्मीर में राज्य के दर्जे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमित शाह ने आगे कहा कि उचित समय आने पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अमित शाह ने कांग्रेस नेता मनीष तिवारी को जवाब देते हुए कहा, कांग्रेस को दिन याद करिए, हजारों लोग मारे गए, कई दिन तक कर्फ्यू लगा रहा, कश्मीर में शांति बहाली सबसे बड़ा मुद्दा था। अगली बड़ी खबर, 15 फरवरी से वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य, नहीं तो वसूला जाएगा दोगुना टोल टैक्स। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 15 फरवरी यानी सोमवार से देश भर के टोल प्लाजा पर सिर्फ फास्टैग से ही टोल टैक्स का भुगतान किया जा सकेगा। बगैर फास्टैग के वाहनों से दोगुना टोल टैक्स वसूला जाएगा। सरकार ने पहली जनवरी से फास्टैग को अनिवार्य किया था,
लेकिन बाद में 15 फरवरी तक छूट दे दी गई। इस बार बगैर किसी छूट के 15 फरवरी से फास्टैग ही टोल टैक्स भुगतान की व्यवस्था को लागू कर दिया गया। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सचिव गिरधर अरमान ने 12 फरवरी को NHAI प्रदेश के क्षेत्रीय तैनात अधिकारी व सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में उल्लेख है कि केंद्र सरकार देश के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग से टोल टैक्स के भुगतान को अनिवार्य करने जा रही है। 80% वाहनों में फास्टैग लगाया जा चुका है। इसके अलावा 40,000 पॉइंट ऑफ सेल टोल प्लाजा पर वितरित की जा चुकी है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।